बड़ी खबर, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 6 जनवरी 2022 को पहला चरण का चुनाव होगा। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 जिले और बाकी तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि कुल 71,398 मतदान केंद्र हैं। 9 जिलों में पहले चरण में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में पहले चरण में मतदान होगा, तो वहीं बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास जिले में दूसरे चरण में और 36 जिलों में अगले राउंड में चुनाव होगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है। इनमें 859 जिला पंचायत सदस्य, 6,727 जनपद सदस्य, 22,581 सरपंचों के चुनाव होंगे और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 3,62,754 लाख पंच के लिए चुनाव होंगे। 114 पंचायतों में मार्च 2022 में कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव होगा। सरकार ने 2014 के आरक्षण की स्थिति बहाल की है, यानी कि 2014 में जितनी भी नई ग्राम पंचायत और वार्ड बने थे वह विलोपित यानी कि निरस्त किए गए हैं। इसी के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी रहेंगे। मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। दूसरे पड़ोसी विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी चुनाव कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 55,000 ईवीएम से ग्राम पंचायत चुनाव होगा, यानी कि 55,000 ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल होगा। जनपद और जिला सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान होगा और जिला केंद्र पर इसकी मतगणना होगी। हर एक पंचायत के लिए एक ईवीएम एक्स्ट्रा रिजर्व में रहेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन नॉमिनेशन भी प्रत्याशी कर सकेंगे। आपको बता दें कि 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को 3 राउंड में मतदान होना है। और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकास खंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकास खंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12। संवीक्षा 21/12। नाम वापस लेने की तारीख 23/12। मतदान 28/1, हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम DMM निकाल करके और EVM का फर्स्ट लेवल चेक करके, EVM क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28/1। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा